वैसे तो वन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सदाब सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरह की लव स्टेटस आप कैसे एडिटिंग कर सकते हो गाइस, और काइन मास्टर में इस तरह की लव स्टेटस एडिटिंग करने के लिए आपको ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो ना कर देना है एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे गाइस। तो चलिए गाइस कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। आप देख पा रहे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। तो आपको यहाँ पे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन साइज शो हो रही है, तो आपको यहाँ से 16:9 की रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस रेशियो को सेलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आपको कुछ इमेज सेलेक्ट करने देना है। तो मैं यहाँ से कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको इमेज की लेयर पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट पोजीशन अच्छा से एडजस्ट कर लेना इस तरह से दो उंगलियों से। उसके बाद यहाँ पे एंड पोजीशन पे क्लिक करना है और ऐसे जूम कर लेना है और ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज पे आपको क्लिक करना है और इसे फिर से इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन पे क्लिक करना है और ऐसे एडजस्ट कर लेना है। फिर से एंड पोजीशन पे क्लिक करना है और ऐसे जूम कर लेना है। तो इस तरह से सारे इमेजेस को आपको फटाफट कर लेना है। तो गाइस मैंने यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन अच्छे से एडजस्टमेंट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दो इमेजेस के बीच में एक प्लस ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक ट्रांजिशन इफेक्ट ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ये क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ से ये क्रॉस फेड वाली ट्रांजिशन इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है और इसकी स्पीड आपको 1.5 रख लेना है और ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लस पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपको वही ट्रांजिशन पे जाना है, क्लासिक ट्रांजिशन, और यहाँ पे आपको क्रॉस फेड वाला इफेक्ट ले लेना है। तो सारे पे इस तरह से आपको कर देना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे सारे पे क्रॉस फेड इफेक्ट ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इमेज की लेयर पे क्लिक करना है और इसकी लेंथ को इस तरह से कम कर लेनी है। तो सारे की लेंथ मैं कम कर लेता हूँ। गाइस इस तरह से लेंथ कम करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओके कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे एक्सपोर्ट कर लेना है आपको। एक्सपोर्ट करने के बाद गाइस आपको एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट पे फिर से आपको क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट अब चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे ये फन ट्रांजिशन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से ये सर्कल वाली वेव आपको ऐड कर लेना है और इसकी स्पीड आपको 1.5 रखने देना है और ओके कर देना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद फिर से आपको फन ट्रांजिशन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये हार्ट वाली ले लेना है और ओके कर देना। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन पे क्लिक करना है और फिर से फन ट्रांजिशन पे आपको क्लिक करना और यहाँ से मेरी सर्कल ये वाला आपको ले लेना है और ओके कर देना। उसके बाद फिर से आपको इस ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक करना है और फिर से फन ट्रांजिशन पे क्लिक करना है और यहाँ से स्टार वेप आपको ले लेना है। तो सारे पे इस तरह से ऐड कर लेना है गाइस। आपको करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इमेज की लेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसकी विग्नेट ऑन कर देना है। तो सारे की विग्नेट आपको इस तरह से ऑन कर लेना है फटाफट। तो मैं सारे की विग्नेट ऑन कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे सारी की विग्नेट ऑन कर लिया है। उसके बाद आपको लेयर पे टच करना है, इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से एक ब्लर इफेक्ट आपको लेना है। तो बेसिक इफेक्ट पे आपको क्लिक करना और ये फर्स्ट वाला ब्लर इफेक्ट आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और ओके कर देना। उसके बाद इसे फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस तरह से और इसकी लेंथ को ऐसे बराबर कर देना है। वापस शुरू पर चले आना है और आपको इसकी सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ से इसे आपको ट्री पर रख लेना है और ओके कर देना है। उसके बाद गाइस आपको लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट आपको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर देना है गाइस। फुल स्क्रीन करने के बाद इसे ओके कर देना है। उसके बाद आपको ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट पर क्लिक करना है और आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी ब्लेंडिंग, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। आपको ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट फिर से क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगी एडजस्टमेंट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसकी कॉन्ट्रास्ट को फुल कर देना है और सिचुएशन को भी फुल कर देना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और अभी जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है।
सो गाइस मैंने इस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो इसे इस तरह से आपको रोटेट कर लेना है, ऐसे रोटेट आपको कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे सेट करना है। तो ऐसे मैं यहाँ से अच्छा से एडजस्ट करके सेट कर लेता हूँ, आप भी इस तरह से सेट कर लीजिएगा। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे इसे सेट कर दिया, उसके बाद इसे ओके कर देना है। उसके बाद आपको पार्टिकल के टेम्पलेट पे फिर से क्लिक करना है और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, थ्री डॉट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है, यहाँ से एक इमेज आपको और ऐड कर लेना सर्कल के लिए। तो मैं यहाँ से एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। गाइज जैसे कि मैंने इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो आपको यहाँ पर ये क्रॉपिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ इसके मास्क इनेबल करना है, सेप ऑप्शन पे क्लिक करना और सर्कल वाला सेप आपको ले लेना है और इसे अच्छे से सर्कल पे ले लेना है। लेने के बाद ओके कर देना, उसके बाद इसे आपको इस सर्कल पे सेट कर देना है। ऐसे ऐसे मैं सेट कर रहा हूँ, आप इस तरह से सेट कर लीजिएगा गाइस। तो ऐसे आपको इसे सेट कर लेना है, उसके बाद इसकी लेंथ को इस तरह से बढ़ा देना है, वापस शुरू पर चले आना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको ब्लैक स्किन टेम्पलेट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक कर देना है। ऑलराइट गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे टच करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक पार्टिकल टेम्पलेट आपको ऐड कर लेना है। तो गाइस मैंने इसे यहाँ पार्टिकल टेम्पलेट ऐड कर लिया, तो इसे इस तरह से आपको रोटेट कर लेना है और ऐसे आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पे जितना भी मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ सबकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पार्टिकल टेम्पलेट की लेयर पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पे मेरी वीडियो क्रिएट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। गाइज देखिए वीडियो पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, देखने में बड़ा ही मस्त लग रहा है। तो ऐसे ही काइन मास्टर्स इस तरह की लव स्टेटस एडिटिंग आप कर सकते हो गाइज, और इस पर कोई सॉन्ग अगर ऐड करना चाहते हो तो आपको ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपकी ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से कोई भी ऑडियो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट की साउंड को म्यूट कर लेना होगा गाइस। उसके बाद गाइस आपको एक्सपोर्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे एक्सपोर्ट बटन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ये आपकी गैलरी पे सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जाते जाते मेरी वीडियो को कर देना एक लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की और भी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो गाइस मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।